नमस्कार। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज दी है कशिश महापात्र ने। और अब मैं बात करूंगी जेमिनी के लिए कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मार्च 2021। आपका पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स इज अ मनी कार्ड, इज अ वेल्थ कार्ड, यानी कि फर्स्ट वीक में आपको वेल्थ मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। और अगर किसी ने आपका पैसा लिया था तो वो पैसा लौटा देंगे। सडनली यू विल गेट बैक योर मनी। पैसे कमाने के कोई अच्छा सा नया सोर्स भी आपको मिलेगा। आपको प्रमोशन हो सकता है, पे राइज हो सकता है, पे हाइक भी हो सकता है। आपको इस टाइम पे गिफ्ट मिल सकता है, गिफ्ट चेक मिल सकता है। हो सकता है कि कोई क्लाइंट आपसे खुश हो जाए और खुश होकर वो आपको एक एक्स्ट्रा मनी दे दें, कुछ ज़्यादा पैसे दे दें या गिफ्ट चेक दे दें। पैसे कमाने का आपको एक नया सोर्स मिल सकता है, कम्प्लीटली डिफरेंट वे ऑफ अर्निंग मनी जो आपने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। यानी कि पहला हफ्ता जो है फाइनेंशियली जेमिनी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखिए कि इस टाइम आप जो अपना पैसा है वो पैसा बहुत खर्च मत कीजिए, उसे सेव कीजिए, बिकॉज अभी अगर सेव करेंगे तो बाद में आपके काम पे ज़रूर आएगा। अब चलिए चलते हैं टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि सेकेंड हफ्ते में, सिंस ये रिवर्स आया है ये कार्ड, तो फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी आपके लाइफ में होंगे, जिनके साथ आपका कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मे बी दे विल नॉट फील हैप्पी अबाउट योर प्रॉस्पेरिटी। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसके रिलेटेड उनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बातचीत से रिलेटेड वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर द योर फीमेल कोलीग या फिर द फीमेल मेम्बर्स अराउंड यू। मे बी समबडी कैन डू समथिंग नेगेटिव अबाउट यू। हो सकता है वो आपके खिलाफ कुछ बात करे, गॉसिप करे या समथिंग यूजिंग देयर कम्युनिकेशन स्किल। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बैकस्टैबिंग, विच मीन्स दैट इस टाइम पे आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई बैकस्टैबिंग कर सकता है। अगर आप तरक्की कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो मे बी वो अंदर ही अंदर बहुत टाइम से जेलस फील कर रहे थे। दैट्स अ रीज़न अभी जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, दे आर अनएबल टू सी योर सक्सेस, और इसके कारण वो आपको बिट्रे कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं विच विल नॉट रियली लाइक इट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपके दोस्तों को तो देखिए कौन है, आपके सच में आपके दोस्त हैं या नहीं, वो वॉच आउट कीजिए। उसके अलावा ये भी देखिए आपके शत्रु जो हैं उनको भी ध्यान से, मतलब सोच के रखिए कि कौन है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल राइट नाउ। द नेक्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, यानी कि आप जिसे बता रही थी कि देर विल बी सम कम्युनिकेशन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, तो आपके घर के कोई एल्डरली मेम्बर, कोई बुज़ुर्ग इंसान, एजड इंसान जो हैं वो आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको दुखी कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आएगा, और आपके फैमिली में ही आप उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। चॉइसेस, या तो आप उनसे झगड़ा ना करें या फिर उन्हें अच्छे से डिप्लोमेटिक वे से समझाएं, वरना ये जो इशू है और आगे बढ़ सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। इट्स अ ब्यूटिफुल वंडरफुल कार्ड। थर्ड वीक में आपका ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली यू विल स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विथ योर लव्ड वंस, आपके परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स को आप सरप्राइज कर सकते हैं, उन्हें कुछ गिफ्ट ला के दे सकते हैं, और उनसे बहुत मतलब दे विल ऑल्सो फील वेरी वेरी हैप्पी विथ यू। तो आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मे बी यू कैन विजिट अ रेस्टोरेंट और यू कैन विजिट समवेयर, यू कैन गो एंड स्पेंड वेरी नाइस टाइम विद देम। तो जैसे सेकेंड वीक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए, लेकिन थर्ड वीक में इट विल बैलेंस। जो कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो रहे थे वो थोड़ा सा सॉल्व होगा, आप हैप्पी फील करेंगे, बहुत कम्फर्ट फील करेंगे, एंड यू विल फील क्वाइट रिलैक्स्ड इन दिस वीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीक, द फोर्थ वीक, एंड आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ फाइनेंशियली टाइट कार्ड, एज इन आपको लगेगा कि यू नो समवेयर आपने यू नो थर्ड वीक में बहुत खर्चा कर लिया होगा, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के लिए यू नो यू स्पेंड सम मनी, एंड देन नाउ आपको लगेगा कि कैश क्रंच सिचुएशन है, पैसे आपको लगेगा कि पैसे इतने नहीं हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट वीक से ही आप पैसे सेव करना शुरू कर दीजिए। वेल, ऐसा हो सकता है कि somebody might have promised you कि वो आपको ऐसा पैसे देने वाले हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ होगा, लेकिन सडनली वो चेक नहीं आएगा, वो पैसा नहीं आएगा, एंड यू विल फील वेरी सैड रिगार्डिंग इट।
या फिर आप टैक्सेस में या फिर किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट में कहीं पे आपने पैसे लगा दिए थे और सडनली यू विल फील कि योर बैंक बैलेंस इज़ रियली रियली लो राइट नाउ. और इसके कारण, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच, पैसे की कमी के कारण, यू माइट फील वेरी इरिटेटेड. आपका झगड़ा हो सकता है अपनी लव्ड वंस के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी के लिए, बिकॉज आप सडनली आप फील करेंगे कि यार, मतलब यू विल जस्ट फील लाइक यू नो, फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए आप किसी को कुछ भी कह देंगे, जो जिसके कारण आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई विल जस्ट एडवाइस यू, जैसे चींटी होती है यू नो, वो हमेशा फ्यूचर के लिए सेव करती है, तो बिल्कुल वैसे ही चींटियों की तरह आपको फर्स्ट वीक से पैसे सेव करने हैं ताकि इन द फाइनल वीक ऑफ दिस मंथ यू डू नॉट फील द फाइनेंशियल क्रंच. वैसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बैड पीरियड है, बैड फेज है, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ स्मॉल टाइम एंड दिस विल ऑल्सो पास. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स यानी कि यू कैन गेट अ लव प्रपोजल दिस मंथ. आपको एक लव प्रपोजल मिल सकता है एंड इट कैन बी अ वेरी गुड प्रपोजल. एंड अब देखते हैं कि ये प्रपोजल जो रहेगा, जो हुएवर इज प्रपोजेज यू, हाउ विल बी दैट पर्सन. सो नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल्स. यानी कि जो लव प्रपोजल आएगा आपके लिए, वो इंसान बहुत फोकस्ड रहेंगे, वो धीरे धीरे जो मेहनत करके एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं, दैट पर्सन विल बी एग्जैक्टली लाइक दैट. ऐसे इंसान जिससे आप कभी मिले नहीं थे, भी यू मेट पीपल इन योर लाइफ, यू हैड रिलेशनशिप्स, लेकिन देवर नॉट दैट फोकस्ड, देवर नॉट दैट कमिटेड. लेकिन अभी जो आपको द पर्सन यू विल मीट विल बी वेरी वेरी फोकस्ड, दे विल गिव यू यू नो टाइम एंड देयर एनर्जी एंड यू नो दे विल इन्वेस्ट इन यू एंड दे विल बी रेडी फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म. द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इट्स अ कार्ड ऑफ रिलीफ. ये ऐसा कार्ड है जो बताता है कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल के जा रहे हैं. यानी कि अर्लियर यू वेयर इन अ सिचुएशन जिसमें आप खुश नहीं थे, यू वर नॉट हैप्पी, बट नाउ यू आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ बेटर थिंग. इट कैन बी लाइक आप एक बुरे रिलेशनशिप में थे, अब उससे आप कुछ अच्छे, एक अच्छे फेज को जा रहे हैं, और मे बी यू आर इन अ बैड जॉब सिचुएशन एंड नाउ यू आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अ गुड वन एंड यू आर फीलिंग वेरी रिलीव्ड. आप काफ़ी रिलीफ फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. अब चलिए चलते हैं अगले कार्ड की तरफ. और अगला जो टैरो कार्ड आया है, दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स. वेल, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन, इज गिविंग यू अ मैसेज. एंड द मैसेज इज दैट आप कुछ नया अनाउंसमेंट करेंगे, समथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ. You will announce it to everyone. Maybe you will suddenly decide के मुझे घर खरीदना है, घर खरीदने का planning कर सकते हैं. You can announce it to people. Or maybe about a new job or a new relationship. So something new is going to happen and you will announce that thing to everyone. Moving on to the next card, we have got the Hanged Man. And after that, another card we have got is the Two of Swords. वेल वेल वेल, ये दोनों कार्ड एक दूसरे को ये इशारा कर रहे हैं कि हैंग्डमैन कार्ड जो है, इट्स अ स्टक सिचुएशन. आप लटके हुए सिचुएशन में हैं एंड आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें. लाइक यू आर स्टक इन अ सिचुएशन एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. बट सिंस द नेक्स्ट कार्ड विच यू हैव गॉट इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं. यू हैव, यू आर सपोज टू चूज बिटवीन बोथ अल्टरनेटिव्स, या तो मैं ये करूँ या वो करूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें. बिकॉज जैसे ही आप इस अल्टरनेटिव को चूज़ कर रहे हैं, देन सडनली आप सपोज ऑप्शन ए को चूज़ कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ऑप्शन बी भी कर सकता हूँ. ऑप्शन बी को चूज़ कर रहे हैं, तो देन अगेन यू आर फीलिंग ऑप्शन में ए मे बी करेक्ट. तो इस तरीके से आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन को स्टिक नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में ऑसिलेट हो रही हैं, जस्ट मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू सिचुएशन और टू ऑप्शंस, एंड ओवरऑल फाइनली आप कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं. सो डोंट वरी, इवेंचुअली थिंग्स विल कम आउट. आपको पता चलेगा कुछ टाइम में, आप जान पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है. बट यस, मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए. Moving on to the next card we have, oh my god, you have got the devil's card, which is not exactly of good news. It represents a devil in your life. Aapke life ke villain jo hai, somebody is there jo you know aapko secretly stalk kar rahe hain. Yani ke you know, they're stalking you in your social media, ya fir aapke bare mein khabar rakh rahe hain, news rakh rahe hain, pata rakh rahe hain.
कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, लेट्स चेक वो एग्जैक्ट इंसान कौन है। सो द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स इज कमिंग, यानी कि वंस अगेन एज आई सेड देर इज़ अ पर्सन, अ पर्सनैलिटी जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉबेबली द पर्सन इज़ फ्रॉम योर वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस से कोई आपके बारे में कोई खबर रख रहे हैं, न्यूज़ रख रहे हैं, पता रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। एंड द पर्सन कैन बी अ कैप्रिकॉन और एन एरीज और फायर एनर्जी और अथॉरिटेटिव फिगर हु इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अब चलिए लास्ट कार्ड चेक करते हैं एंड दैट इज़ द एम्प्रेस कार्ड। द प्रेजेंस ऑफ एम्प्रेस कार्ड ये बताता है कि आप मार्च में स्पेशली फर्स्ट 10 डेज जो रहेगा उस वक्त अपना खुद का बहुत ध्यान रखेंगे, यू विल टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मे बी आपने खुद को बहुत निगलेक्ट किया था काफ़ी टाइम पे, तो आप काफ़ी टाइम देंगे सजने संवरने में, you know, doing those face massage and you know those pedicure, manicure, कपड़े ख़रीदना, सजना सवरना, you know, जिम जाना, all these things, you will do a lot of these things and guys also, men also, they will take care of themselves and salon जाना या जिम जाना या फिर अच्छे कपड़े ख़रीदना, तो ख़ुद पर काफ़ी invest करेंगे in the first 10 days. कॉज करना भी चाहिए and Gemini, you just love to pamper yourself. So now I will end this video. This was for Gemini March 2021. Aries or Taurus reading for March 2021 is also out. ये आप check कर सकते हैं या फिर किसी को share कर सकते हैं. And rest of the zodiac signs, उनका भी tarot card reading बहुत जल्दी for March 2021 will be out. ये video कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए in the comment section and thank you so much for watching this video.